हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था लैटिट्यूड की, लैटिट्यूड क्या है, कौन कौन सी डिग्री पे कौन कौन सी रेखाएं खींची हुई है, ये सब अपन ने कल पढ़ा था। आज देखो थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मजा आने वाला है। बस ध्यान से थोड़ा सा पढ़ते रहिए मेरे साथ। हम पढ़ रहे थे लैटिट्यूड, एंड लैटिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं अक्षांश। लैटिट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षांश। हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था डिग्री के, जो बीचों बीच जो सेंटर पे जो लाइन खींचे वो जीरो डिग्री है, सबसे बड़ी लाइन है जीरो डिग्री, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद में ऊपर एक लाइन खींची थी, फिर एक लाइन खींची थी, फिर एक बिंदु खींचा था, वैसे नीचे एक लाइन खींची थी, फिर एक लाइन, फिर एक बिंदु। हमने कहा कि पृथ्वी गोल है, तो जितनी भी रेखाएं हमने खींची है वो सब एक वृत्त में खींची है, गोल खींची है, ये हमने पढ़ा था। तो जैसे कि ये वाली है 23.5 डिग्री, अभी नॉर्थ होगा साउथ होगा, हमने कहा था ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये कितना हो जाएगा नॉर्थ। इसको अपन ने क्या नाम दिया था? इसको नाम दिया था करक रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद अपन ने वही 23.5 डिग्री नीचे दिया था, 23.5 डिग्री साउथ, इसको क्या नाम दिया था? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। और जो 0 डिग्री है उसको क्या नाम दिया था? भूमध्य रेखा। क्या नाम दिया था? भूमध्य, क्योंकि भूमध्य बिल्कुल सेंटर में थी, छोटी थी भूमध्य। इसके बाद अपन ने इस वाली लाइन का भी एक नाम दिया था 66.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब आकृति तो वृत्त बोला दिया था कि नहीं दिया था भाई? बिल्कुल दिया था, अरे बोलो तो सही। इसके बाद अपन ने इसको दिया था 66.5 डिग्री साउथ, इसको क्या नाम दिया था? अंटार्कटिक वृत्त, बोलो दिया था कि नहीं दिया था? दिया था। इसके बाद में अपन ने नॉर्थ में इसको 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव दिया था कि नहीं दिया था? ये केवल एक बिंदु है, ये ना रेखा है ना गोला है, ये क्या है? बिंदु है। वैसे यहाँ पर भी एक बिंदु था 90 डिग्री पर, उसको क्या नाम दिया था? उसको नाम दिया था दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि ये दक्षिण में है। बोला दिया था कि नहीं दिया था? सही, अपन ने पूरा अच्छे से क्लियर भी किया था कि नाम कैसे कैसे दिए, क्यों दिए, क्यों नहीं। आगे देखो, आगे देखो, अपन ने आगे पढ़ा था कि देखो लाइनें जो अपन ने खींची, अभी वाले जो लाइनें अपन ने खींची है, खींची है, ये सबसे बड़ी लाइन है। फिर इसके बाद में जो 1 डिग्री आएगा वो इससे छोटी, फिर 2 आएगा 2 डिग्री वो इससे छोटी, फिर 3 डिग्री इससे छोटी, फिर 4 डिग्री छोटी 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 छोटी, और नीचे जाकर एक बिंदु हो जाएगा। ये वाला सिस्टम ऊपर रहेगा, छोटी फिर छोटी फिर छोटी, और ऊपर जाकर के एक बिंदु हो जाएगा। अब देखो अपन को पता है कि इन सब के बीच में जो दूरी है, इन सब के बीच में जो दूरी है वो एक समान दूरी है कि नहीं है? अरे बोलो है कि नहीं? है, बिल्कुल है। अब देखो दूरी है, ये सब अपन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और इससे कैसे दूरी जलवायु कैसे ड्रॉप करेंगे सब अपन पढ़ेंगे। अपन ने देखा कि इनके बीच में जो ये दूरी है, ये दूरी है, वैसे दूरी यहाँ होगी है कि नहीं? ये दूरी सेम है। अब सेम कैसे? जैसे कि देखो अपन जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर चल रहे हैं, एक एक डिग्री आगे बढ़ रहे हैं, एक एक डिग्री, जैसे जैसे अपन नीचे चल रहे हैं वैसे वैसे एक एक डिग्री नीचे बढ़ रहे हैं, ठीक नहीं? अब दूरी सबकी समान है, इन दोनों के बीच में जो गैप है 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, 3 डिग्री से 4 डिग्री, ये जो डिग्रियों के बीच में जो गैप है बिल्कुल समान है, गैप बिल्कुल समान है गैप, लेकिन लंबाई सबके अलग अलग है, ये सबसे बड़ी है, फिर छोटी है, फिर छोटी है, फिर छोटी। क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है? आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है कि अक्षांशों में सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है? 0 डिग्री भूमध्य है कि नहीं है? क्योंकि पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में। अब 1 डिग्री बराबर, अब देखो अपन जो दूरी है, डिस्टेंस है, जो दूरी है उसको किलोमीटर में ज्ञात करते हैं, ये अपन को पता है। इसकी यूनिट क्या है?
दूरी की यूनिट क्या है? किलोमीटर। बोलो है कि नहीं है। अब लेकिन यहाँ तो दूरी डिग्रियों में दे रखी है, एक डिग्री दूरी। एक डिग्री बराबर कितनी दूरी होगी? तो अपन लिखेंगे एक डिग्री बराबर 111.2 किलोमीटर। अब देखो अपने पास एक डिग्री से दो डिग्री के बीच में, एक डिग्री से दो डिग्री के बीच में दूरी आ गई 111.2 किलोमीटर। अब देखो 111 किलोमीटर की दूरी आ गई किसके बीच में? एक डिग्री से दो डिग्री के बीच। कितनी दूरी आई? 111 किलोमीटर। अब अपन इस दूरी से अपन पूरे अक्षांश होती है किसी भी देश से दूसरे देश के बीच की दूरी है, किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी अपन आराम से निकाल सकते हैं। तो पहला एप्लीकेशन तो अपना क्या हुआ? पहला एप्लीकेशन हुआ अपना कि अक्षांश जो है देशांतर सॉरी लैटिट्यूड जो है उनसे अपन क्या निकाल सकते हैं? दूरी। दूसरा अपन जलवायु भी निकाल सकते हैं। जलवायु का टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो अपन आगे बढ़ेंगे, जलवायु पढ़ेंगे पूरा एक्सप्लेन करेंगे कटिबंध वगैरह सब कुछ। अभी अपन क्या ज्ञात करेंगे? दूरी। अब देखो बेटा दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल सा, सबसे पहले तो अपन को ये पता चला कि अक्षांश से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? दूरी। लैटिट्यूड से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? डिस्टेंस। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अपन को पता है एक डिग्री के बीच में 111 एक डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी। अब जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखो ज्योग्राफी में दूरी ज्ञात करने का क्वेश्चन कैसे आता है? मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है भाई साहब? ये 0 डिग्री है। मैंने कहा कि मैं 85 डिग्री लैटिट्यूड पर खड़ा हूँ। कितने डिग्री लैटिट्यूड पर खड़ा हूँ? 85 डिग्री लैटिट्यूड पर खड़ा हूँ। और भाई साहब आपको 0 डिग्री लैटिट्यूड से, कितने डिग्री से? 0 डिग्री लैटिट्यूड से मेरी दूरी ज्ञात करनी है कि मैं भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर खड़ा हूँ। अपन को उसने केवल लैटिट्यूड की लोकेशन दी है, और लोकेशन क्या दी है कि 85 डिग्री लैटिट्यूड पर खड़ा हूँ, 85 डिग्री अक्षांश पे खड़ा हूँ। अब अपन को दूरी ज्ञात करनी है, बिल्कुल सिंपल। अपन ने देखा कि एक डिग्री के बीच में कितने किलोमीटर होते हैं? 111 किलोमीटर। एक डिग्री के बीच में कितने किलोमीटर होते हैं? 111 किलोमीटर। अब अपन को कितने डिग्री पर खड़ा है वो? 85 डिग्री। तो देखो कितने डिग्री पर खड़ा है? 85 डिग्री पर। कितने डिग्री से निकालना है? 0 डिग्री। 85 डिग्री तो हो गया, इसको किससे गुणा कर देंगे? 111 से। 85 गुणा 111 कर दो, जितना आ जाएगा वो इसका क्या होगा? देखो अब अपन ने दूरी किलोमीटर में यूनिट में निकाल ली, लेकिन तुमको पता ही नहीं है कि ये जो दूरी है इनके बीच की जो दूरी है इनकी एक यूनिट तो हो गई किलोमीटर, और इसकी एक यूनिट और होगी किसकी? इसकी एक यूनिट और होती है। भाषा बोल को यूनिट क्या होती है? आपने नाम सुना होगा गोरे। इसको अपन गोरे की यूनिट मोड़ लिख सकते हैं। भाई साहब इसके दो नाम है, कितने नाम है? दो। किसके? दूरी के। दूरी की यूनिट के किसमें? अक्षांश में। अक्षांश में दूरी की यूनिट के कितने नाम है? दो। पहला किलोमीटर, दूसरी यूनिट गोरे, गोरे GORE गोरे, दूसरा गोरे। अब देखो पहली यूनिट क्या थी? किलोमीटर। अब अपन ने दूरी निकाली जैसे कि 85 डिग्री अक्षांश की, 85 गुणा 111 कर दी। अब इसको आप क्या किलोमीटर लिख लो, अगर किलोमीटर नहीं लिखना चाहते तो गोरे लिख लो। क्वेश्चन क्लियर हो? वैसे मैंने तुमको एक अगला क्वेश्चन दे दिया। क्या दे दिया भाई साहब? ये 0 डिग्री इक्वेटर है, और मैंने कहा कि मैं 70 डिग्री नॉर्थ, साउथ नॉर्थ से जाना ना, साउथ नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे, 70 डिग्री नॉर्थ पे खड़ा हूँ। लेकिन हमने कहा भाई साहब हम तो यहाँ पहुँच गए 23 डिग्री साउथ पे पहुँच गए। तो बोला 23 डिग्री साउथ से 70 डिग्री नॉर्थ की दूरी ज्ञात करो। कुल ज्ञात करेंगे कैसे? देखो पिछली बार तो अपन ने 0 डिग्री से ज्ञात कर दी, लेकिन अब अपन को ये नहीं करना 70 गुणा 111 कर देंगे, गुणा 23 भी कर दिया गलत हो जाएगा भाई साहब, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो कैसे करना है हमेशा, क्योंकि अपन ने जो गोरे लिया था, जो डिग्री ली थी, डिग्री के बीच में जो डिस्टेंस लिया था वो 0 डिग्री से लिया था, 1 डिग्री से 1 डिग्री से लिया था, तो 23 और 70 का तो मैचिंग ही नहीं है। फिर कैसे कर दिया तुमने डायरेक्ट गुणा गुणा गुणा? तो सिंपल है, इसको कैसे करेंगे? 70 डिग्री पर भाई साहब खड़ा है, हम कितने डिग्री पर खड़े हैं? 23.5 डिग्री। अब वो नॉर्थ में खड़े हैं, हम साउथ पे खड़े हैं। अब इस सवाल में बड़े नॉर्थ और साउथ बोले, वो किस पे खड़े हैं? नॉर्थ पे। किस पे खड़े हैं भाई साहब? वो नॉर्थ पे। अब भाई साहब किस पे खड़े?
साउथ पे, अपन किस पे करें साउथ पे, तो नॉर्थ में साउथ जोड़ दो 23 डिग्री, 70 डिग्री 23 डिग्री जोड़ दिया, दोनों को जोड़ करके 111 से गुणा कर दो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी, कितने गोरे हो गए, काले थे तो सब गोरे हो। अगला एक क्वेश्चन और आया भाई साहब, बोले क्वेश्चन क्या आया, बोले मैं तो 70 डिग्री नॉर्थ पे बनाऊ, मैं कहा अच्छा, बोले तुम कहो, हमने कहा कि हम तो 23 डिग्री नॉर्थ पे ही हम खड़े, तुम 70 पे खड़े हम 23 पे खड़े, फर्क इतना पड़ा, हम भी नॉर्थ में ही हैं। बोले अब, बोला अब अपनी दोनों की दूरी बताओ, अपन दोनों कितनी दूरी पे खड़े हैं, देखो वो 70 पे वो 23 पे, ये दूरी ज्ञात करनी है, अपन ने यहाँ से यहाँ तक का सीखा था, ये कैसे ज्ञात करें, बच्चा हो गया कम हो गया कैसे, देखो 70 डिग्री में तो वो भाई साहब खड़े हैं, पर अपन भी 23 डिग्री नॉर्थ पे खड़े, मतलब उसके पास जाने के लिए अपन 23 डिग्री एक्स्ट्रा पैदल चल लिए, एक्स्ट्रा चल लिए, तो ये दूरी तो खत्म हो गई, खत्म हो गई, तो 23 डिग्री घटा दो, तो 70 डिग्री में से 23 डिग्री घटा दो और दोनों को घटा करके 111 से गुणा कर दो, 70 से 23 डिग्री के बीच की दूरी आ गई। तो गाइस बताओ दूरी से दूरी ज्ञात करना सीखे कि नहीं सीखे, अक्षांशों के बीच में दूरी ज्ञात करना बिल्कुल, अगर सी आए तो सेशन को फटाफट लाइक कमेंट और शेयर कर दो, और मेरा अगला क्वेश्चन आपके लोगों के लिए होमवर्क है, करके दो घर से करके मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर डालना आंसर कितनी दूरी है। भाई साहब क्वेश्चन ये है अपना, हम खड़े हैं 65 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश पर, कहाँ पर खड़े हम 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खड़े हैं, और अपन हमको हमने कहा कि आप कहाँ खड़े हो, हमने कहा कि हम 45 डिग्री साउथ 45 डिग्री साउथ में खड़े हैं, बोला अपने दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो, तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी आपको ज्ञात करनी है, आंसर कमेंट बॉक्स में देना है फटाफट गाइस, लग जाइए काम पे फटाफट फटाफट, सदैव कमेंट्स में आप मेरी कमियाँ मेरे को जरूर बताइए, जिससे मैं और कम और सुधार कर सकूँ कि मेरी कहाँ कमी है कहाँ नहीं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और